हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक न्यू बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनका क्या स्केड्यूल होने वाला है, कब कौन कौन से दिन उनको कौन कौन से पेपर देने हैं और एग्जाम की टाइमिंग क्या होगी, ये सारी चीजें जो है आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये स्पेशली ई कॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी कि आपका एग्जाम किस दिन कब होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक चीज और आपको बताता चलूं कि आप चाहें तो इन सारे पेपर्स के नोट्स हमारे पास से ले सकते हैं। हालांकि सिर्फ चार पेपर के नोट्स ही यहाँ पे अवेलेबल है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज चार पेपर कॉमर्स से रिलेटेड है। नीचे के जो चार पेपर है 5, 6, 7 और 8, बेगला 135, बेगला 136, DEVAE 181 और 182, इसके नोट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो फॉर दैट रीजन आपको जो है थोड़े से बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे। मैं क्या होगा वो मैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा BCOC 131 से लेकर के 134 तक का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। BCOC 131 आपका 1st of September को होने वाला है, BCOC 132 3rd of September को होने वाला है, BCOC 133 29 जुलाई को और 134 10th of August को होने वाला है। तो BCOC 131 132 जो है आपका, ये दोनों पेपर, ये दोनों आपका फर्स्ट सेमेस्टर में है और बाकी नीचे का जो दो पेपर है ये सेकेंड सेमेस्टर में है। ठीक है ना, तो ये सेमेस्टर वाइज यहाँ पे मैंने फीस भी रखा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर के चार पेपर के लिए आपको 1000 रुपए देने हैं और पूरे साल का अगर आप एक साथ एग्जाम देते हो, अगर आपको पूरे साल का नोट्स चाहिए तो यहाँ टोटल 8 पेपर हो जाते हैं, उसके लिए 2000 पे करने हैं। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे आधे पेपर्स आप दे रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आप दो पेपर का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ चूंकि वो कॉमर्स से रिलेटेड है, बाकी चार पेपर चूंकि कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है तो उसके नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे चूंकि दो पेपर्स आपको देने हैं तो यहाँ पे 1000 की जगह आपको 500 पे करना होगा। और यहाँ पे अगर आप पूरे साल का नोट्स लेते हो, मतलब 131 से लेकर के 134 तक का, तो फिर आपको 1000 रुपए यहाँ पे पेमेंट करने होंगे। सेकंड ईयर के केस में लेकिन चीजें डिफरेंट होंगी। सेकंड ईयर में चार पेपर आपके फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में है और चार पेपर फोर्थ सेमेस्टर में है, तो वहां पे 1000 और 2000 जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये आपका स्केड्यूल, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं इस वीडियो को शेयर कर दूंगा, जहाँ पे मैं इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा और आप वहाँ पे यू नो इजिली आप याद रख सकते हो। याद क्या रख सकते हो, जब भी आपको देखना होगा आपने खोल करके देख लिया आपका एग्जाम कब कब होने वाला है। ठीक है, सो ये एग्जाम का शेड्यूल है, आपको आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप नोट्स खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8101065300 नंबर पे। ठीक है, फॉर एनी हेल्प, एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी सजेशन यू कैन कॉल मी एट 24/7। मैं बोलना चाहूंगा एग्जाम का टाइम नजदीक आ रहा है तो ऑल द बेस्ट, और 24/7 मैं इस नंबर को ऑन रखूंगा ताकि आपकी जो भी क्वेरी है उसको मैं दूर कर सकूं और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से हो सके। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि यूट्यूब पे हमारे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं जहाँ पे आप जाकर के बहुत ही आसानी से यू नो स्टडी कर सकते हैं। आपको करना क्या, आपको प्लेलिस्ट में आना है, प्लेलिस्ट में आने के बाद नीचे की तरफ आपको आना है बीकॉम न्यू में, इग्नू बीकॉम न्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारी की सारी प्लेलिस्ट अलॉन्ग विद द वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिनको देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और भी वीडियोस मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूंगा तो आप यहाँ से प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जहाँ पे मैं सेकंड ईयर के नोट्स को शेयर करूंगा आपके साथ, सेकंड ईयर के जो एग्जाम शेड्यूल है उसको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय, थैंक यू।